जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम आपको एक स्पेशल फ्रॉग की स्टोरी सुनाएंगे और बताएंगे कि वो कैसे स्पेशल बना। राजगृही नाम की एक सिटी थी, वहाँ के किंग का नाम था राजा श्रेणिक। वहाँ पर भगवान महावीर का बहुत ही बड़ा समोशरण आया था। समोशरण तो आपको मालूम है ना, जहाँ पर अरिहंत भगवान हमें उपदेश देते हैं। तो उस सिटी के किंग राजा श्रेणिक वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू हियर दैट एंड ही वॉज वेरी ईगर टू गो टू समोशरण। तो एक दिन राजा श्रेणिक अपने सिटी के लोगों के साथ पूजा की सामग्री, मतलब पूजा के द्रव्य लेकर भगवान के दर्शन के लिए जाने लगे। किंग श्रेणिक तो एलिफेंट पर बैठे हुए थे और उनके साथ सब लोग गाते बजाते झूमते नाचते हुए और जय जयकार करते हुए जा रहे थे। जो भी उनको देखता वो उन्हीं के साथ हो लेता। Why? Because no one wanted to miss this precious opportunity to go to Samosharan. अच्छा, can you imagine कि उस दिन उन लोगों के साथ भगवान के दर्शन के लिए एक और छोटा सा क्रीचर भी था। हाँ, एक छोटा सा फ्रॉग भी भगवान के दर्शन के लिए पॉन्ड से उछलता हुआ निकल पड़ा। फ्रॉग्स के हैंड नहीं होते, है ना? तो उसने क्या किया मालूम है? उस फ्रॉग ने लोटस फ्लावर, मतलब कमल के फूल की कुछ पंखुड़ियों को, पेटल्स को अपने मुंह में ही दबा कर रख लिया। Because he wanted to offer that to Bhagwan ji when he would go to the Samosharan. और वो frog भगवान की भक्ति में इतना मग्न था कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं तो छोटा सा frog हूँ, मैं कब पहुँचूँगा Samosharan, कैसे पहुँचूँगा। और उसे तो ये भी ध्यान नहीं रहा कि राजा श्रेणिक की सवारी भी आ रही है और इतने सारे लोग भी आ रहे हैं। वो फ्रॉग धीरे धीरे हॉप करते करते राजा श्रेणिक के हाथी के पास तक पहुंच गया। तब पता है क्या हुआ? वो फ्रॉग राजा श्रेणिक के एलिफेंट के पैर के नीचे आ गया। द लिटिल फ्रॉग गॉट क्रश्ड अंडर द एलिफेंट्स फुट। दैट्स वेरी सैड, है ना? बच्चों बताओ, इफ सच अ स्मॉल एनिमल गेट्स क्रश्ड बाय सच अ बिग एलिफेंट तो उसका क्या होगा? ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ सेव नहीं कर पाएगा। उस फ्रॉग के साथ भी ऐसा ही हुआ, दैट फ्रॉग डाइड। तो क्या उस फ्रॉग का भगवान महावीर के समोशरण में जाने का ड्रीम पूरा हुआ? बताओ बताओ। यू नो व्हाट हैपेंड? जैसे ही राजा श्रेणिक और उनके लोग भगवान के दर्शन के लिए समोशरण में पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे देव पहले से ही भगवान के दर्शन के लिए आए हुए हैं। उन्हीं देवों में से कुछ एक देव थे जो अलग दिख रहे थे, जो बहुत भक्ति भाव से भगवान के दर्शन कर रहे थे और उनके क्राउन पर फ्रॉग का मार्क भी था। राजा श्रेणिक सोचने लगे कि ऐसा देव तो हमने पहले कभी नहीं देखा जिनके की क्राउन पर फ्रॉग का मार्क हो, और उन्होंने पूछा कि ये देव कौन है। तब उनको भगवान महावीर के गंधर्व मुनि श्री से आंसर मिला कि ये तो वही फ्रॉग का जीव है जो थोड़ी देर आपके ही एलिफेंट के पैर के नीचे आकर मर गया था। वो फ्रॉग जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, उनकी पूजा भक्ति करने के भावों से पॉन्ड से बाहर निकला था, है ना? और उसी भगवान के दर्शन के बारे में सोचते सोचते ही उसकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए उस फ्रॉग को नेक्स्ट गति कौन सी मिली? देव गति। और देखो, वो राजा श्रेणिक से भी पहले समोशरण पहुंच गया। तो देखा बच्चों, भगवान की भक्ति और अच्छे भावों से एक छोटा सा फ्रॉग भी देव बन गया। हमें भी बड़े ही अच्छे भाव से रोज़ मंदिर जी में भगवान के दर्शन, अभिषेक और पूजन के लिए जाना चाहिए। हम सब जाएंगे ना? जय जिनेंद्र।